हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, दूध तो सब लोग पीते ही हैं और दूध अपने आप में ही बहुत ही सेहतमंद है। कैल्शियम, प्रोटीन हर चीज़ से भरपूर है, लेकिन इसको आज हम और भी ज़्यादा टेस्टी और भी ज़्यादा हेल्दी बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 लीटर दूध लिया है और ये गाय का दूध है। अगर आप चाहें तो फुल क्रीम भी ले सकते हैं। तो दूध को हम उबल जाने देते हैं। और यहाँ पे मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट लिए हैं। ये मैंने सूखी वाली जो खजूर आती है वो ली है और इसको मैंने 2 घंटे पहले ही गर्म दूध में डाल दिया था फूलने के लिए और ये अच्छे से फूल गया है। इसका बीज मैंने निकाल दिया है। और अब मैंने यहाँ पर 4 अंजीर ली है और 10-15 मैंने यहाँ पे बादाम लिए हैं और 10-15 ही काजू और उतने ही पिस्ता। और यहाँ पे मैंने ली है थोड़ी सी छोटी इलायची और काली मिर्च, दालचीनी का टुकड़ा और 1 इंच कच्ची वाली हल्दी। और इधर हमारा दूध भी उबलने लगा है तो इसमें हम जो दालचीनी का टुकड़ा है वो इसमें डाल देंगे। ये दूध के साथ पकता रहेगा और अच्छा सा फ्लेवर इसमें आ जाएगा। और यहाँ पे अब मैंने एक मिक्सी का जार ले लिया है, इसमें जितने भी ड्राई फ्रूट्स हमारे हैं सारे इसमें डाल देंगे और इसका पीस के हमने पाउडर, दरदरा सा पाउडर बना लेना है। तो यहाँ पे मैंने ये सारा ही डाल दिया है और इसमें हम काली मिर्च और इलायची का बीज निकाल के ये भी डाल देते हैं और इसको हम पीस लेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा दरदरा सा पाउडर बन के इसका तैयार हो गया है। इस तरीके से हमने इसको पीस के तैयार कर लेना है। और अब इसको हम एक बर्तन में निकाल लेंगे और वही मिक्सी के जार में मैं अब जो हमने खजूर भिगो के रखा हुआ है इसको भी हम इसमें डाल के पीस लेंगे। थोड़ा सा दूध इसमें डाल देते हैं और इसको पीस के बढ़िया सा इसका पेस्ट बना लेंगे। तो ये देखिए, ये बन के तैयार हो गया है। और इधर हमारा दूध भी देखिए अच्छे से उबल रहा है। मीडियम आँच पर मैंने इसको उबलने के लिए रख दिया है। और इसमें अब जो हमने पाउडर बना के रखा हुआ है ना ड्राई फ्रूट्स वाला, इसमें हम डाल देंगे और मीडियम आंच पे इसको पकने देंगे अच्छे से। तो फ्रेंड्स, ये दूध ना बहुत टेस्टी बनने वाला है। आप इसे बना के एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपके बच्चे दूध नहीं पीते हैं ना तो मांग मांग कर दूध पियेंगे, इतना ज़्यादा ये टेस्टी बनता है। और यहाँ पर जो हल्दी थी ना वो भी मैं इसमें मिक्सी के जार में ही डाल के पीस लूँगी। और यहाँ पे ये पीस गया है। और इधर देखिए, दूध भी हमारा काफ़ी गाढ़ा हो गया है। बहुत ज़्यादा हम इसको गाढ़ा नहीं करेंगे अभी, क्योंकि अभी हम इसमें खजूर वाला पेस्ट डालेंगे ना तो ये और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे अच्छे से ये गाढ़ा हो चुका है तो अब इसमें हम खजूर वाला जो पेस्ट है इसको डाल देंगे। और इसको डाल के अच्छे से हमने इसको बस 2-3 मिनट के लिए पका लेना है। बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे अब, नहीं तो दूध हमारा बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं। तो आप इस दूध को बिना ड्राई फ्रूट्स के भी बना सकते हैं। काजू बादाम आप स्किप कर सकते हैं या फिर आप डाल सकते हैं, डालने से टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन बिना उसके भी आप इसको बना सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी चीनी भी डाल सकते हैं। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो थोड़ा सा चीनी आप इसमें डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर चीनी, गुड़ कुछ भी नहीं डाला है। और यहाँ पे हमारा दूध देखिए अच्छे से उबल गया है। इसको मैंने 2-3 मिनट के लिए बढ़िया से खजूर वाला पेस्ट डालने के बाद अच्छे से पका लिया है और ये बढ़िया गाढ़ा दूध हमारा बनके यहाँ पे तैयार हो गया है। तो अब हम यहाँ पे गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे, इससे ज़्यादा इसको हम नहीं पकाएंगे। और यहाँ पे हमारा बढ़िया सा दूध बनके देखिए तैयार हो गया है। तो बहुत ही बढ़िया दूध बना है। आप इसे ठंडी के मौसम में बना के अपने बच्चों को दीजिए। बड़े बच्चे सभी इसे बहुत ही पसंद से पियेंगे, बहुत टेस्टी है। इसको आप पीजिए, आप सारी बीमारियों से आप दूर रहेंगे। तो इसको बना के आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और रेसिपी को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।